कौन कहता है हम YouTube चैनल मोनेटाइज करके पैसे नहीं कमा सकते। आप देख सकते हैं हमारे साथ हैं, क्या नाम है आपका? सुमित कुमार। सुमित जी कहाँ से आए हैं? घाटमपुर से। घाटमपुर से आए और यहाँ पर देख सकते हैं कितने सब्सक्राइबर है, 51,000 सब्सक्राइबर। और व्यूज की बात करते हैं कितने, 10 मिलियन व्यूज हो चुके हैं। जो कि आज हम यहाँ पर आपको एकदम सही तरीका कि आखिर में चैनल हम कैसे मोनेटाइज कर सकते हैं और किस तरीके कंटेंट डाल के इन भाई ने अपने चैनल को मोनेटाइज किया। वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली, पता है वीडियो अगर आप शुरू से एंड तक देखते हैं तो आपको यहाँ पर क्या पता होने वाला है, पता है चैनल कैसे मोनेटाइज किया जाता है, कैसे चेक किया जाता है, पूरा फुल प्रोसेस पता चलेगा। साथ में ये भी पता चलेगा कि आखिर में इन्होंने दिमाग कैसे लगाया इस कंटेंट पर, ठीक है ना, किस तरीके का एकदम अलग ही कंटेंट है भाई, एकदम अलग दिमाग ही अलग लगा दिया इन्होंने इस तरीके की वीडियो बनाने के लिए। और वीडियो पता कितने सेकंड की है, 6 सेकंड 7 सेकंड 10 सेकंड 6 सेकंड। सिर्फ हमें व्यूज ही तो चाहिए भाई, सिर्फ व्यूज चाहिए ना, कौन सा वॉच टाइम चाहिए। 6 सेकंड का वीडियो सभी लोग पूरा फुल देख लेते हैं, जैसे चालू हुआ खत्म हो गया पता ही नहीं चला। और लोग एक एक वीडियो से पता है 5-5 बार प्ले करके देखते हैं, समझ सकते हो, दिमाग देखो दिमाग किस तरीके का होता है ना, एडवांस दिमाग है। अगर आप इस तरीके के दिमाग लगाते हैं जैसे इन्होंने लगाया, सब बताऊंगा पूरा डिटेल से, हर चीज़ दिखाऊंगा कि आखिर में कैसा वीडियो है, आप कैसा बना सकते हो, ठीक है। इनके चैनल का लिंक भी दूंगा डिस्क्रिप्शन में, परेशान मत होना, सब कुछ देंगे पूरा डिटेल से। इसीलिए बोल रहा हूँ कि भाई इस चैनल को देखना, समझना इस वीडियो को कि कैसे ये काम कर रहे हैं अपने चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम आपको ये भी दिखाएंगे कि एडसेंस कैसे अप्लाई किया जाता है, ठीक है, YouTube चैनल कैसे मोनेटाइज किया जाता है, एडसेंस कैसे क्रिएट किया जाता है, कैसे चेक किया जाता है कि आखिर में हम काम कर रहे हैं YouTube पर, तो प्रॉपर तरीके से रेगुलर तरीके से कैसे काम करा जाता है, ठीक है। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने उन दोस्तों के जो लोग YouTube, Facebook, Instagram से पैसे कमाना चाहते हैं, ठीक है। चलिए अब आपको दिखाते हैं, पहले देखिए हम इस चैनल को मोनेटाइज करते हैं, ठीक है, मोनेटाइज करते हैं, फिर आपको आगे का प्रोसेस दिखा कि आखिर में इन्होंने वीडियो कैसा बनाया है, किस तरीके का दिमाग लगाया, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर अर्न वाले सेक्शन पर आएंगे, ठीक है, यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, आपके पास अप्लाई बटन आएगा, ठीक है। हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया तो यहाँ पर हमारे में पहला वाला ऑप्शन जो हमारा टर्म एंड कंडीशन है यूट्यूब का, वो यहाँ पर एक्सेप्ट हो गया। अब सेकेंड वाला है हमको एडसेंस यहाँ पर बनाना है, ठीक है, क्रिएट करना है। देखिए यहाँ पर हम क्लिक करेंगे इस तरीके से, अगर आपका पहले से एडसेंस है तो पहले वाले पे आप क्लिक कर सकते हैं। इसीलिए ऐसे यहाँ पर लिखा यस आई हैव एन एग्जिस्टिंग अकाउंट फॉर यूट्यूब फॉर एडसेंस, अगर आपके पास नहीं है तो लिखना यहाँ पर क्लिक करना है नो आई नीड टू क्रिएट वन पे, ठीक है, और यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना, ठीक है। देखिए जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे ही करना, ठीक है, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, ठीक है, ये डायरेक्ट जाएगा आपको क्रोम पर लॉगिन होगा, ठीक है, जहाँ भी लॉगिन हो रहा है कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ पर हो रहा है चलो यहाँ से हम हटाते हैं इसको, ठीक है, ये हमारा जा रहा है दूसरे एप्लीकेशन पे जा रहा है, ठीक है, तो हम उस एप्लीकेशन को यहाँ से इस तरीके से ओपन करेंगे और इस एप्लीकेशन को हटा देंगे, ठीक है। ये एप्लीकेशन दिक्कत करता है जिसके भी चैनल पे रहता है, जिसपे जिसके भी फ़ोन में रहता है दिक्कत करता ही, ठीक है ना, ठीक है। ये वीवो का फ़ोन है ना आपका? जी वीवो के फ़ोन में रहती ही दिक्कत, तो हमने भी अपने फ़ोन से हटा दिया इसीलिए इस एप्लीकेशन को, क्योंकि हमारा जो भी प्रॉब्लम जो भी चीज़ें के लिए हम लोग मान लीजिए कि यूट्यूब पर अगर हम अपने YT स्टूडियो से कोई भी चीज़ क्लिक करेंगे ना तो डायरेक्ट इसी एप्लीकेशन पर पहुँच जाती है, ठीक है, तो इसको हम लोग हमेशा हटा कर रखते हैं, ठीक है, जितने भी लोग यूट्यूब से पे काम करते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर फिर से आते हैं, ठीक है, यहाँ पर आते हैं और फिर से हम इस पर क्लिक करते हैं, ठीक है, यहाँ पर स्टार्ट पे क्लिक करते हैं। जैसे ही स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है, देखो यहाँ पर स्टार्ट पे हम क्लिक करते हैं, फिर ऐसे इस तरीके से आएगा पेज और यहाँ पर इस तरीके का कुछ इंटरफेस आएगा और थोड़ा सा हम लोग को वेट करना है, ठीक है, वेट करना है। अब देखो ये वाला एप्लीकेशन कहाँ पर ओपन हो रहा है ये देखते हैं चल के, ठीक है, अब देख सकते हो यहाँ पर ये हमारा पूरा ओपन हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर सारे देखो वीवो का फिर से ओपन हो गया, ठीक है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसको इसको पूरा पूरा एप्लीकेशन को हमें बंद ही करना पड़ेगा। बंद कैसे करते हैं एप्लीकेशन को वो समझिए, ठीक है, देखिए मैं आपको पूरा डिटेल से दिखा रहा हूँ कि आखिर में बार बार मान लीजिए एप्लीकेशन में इसी वीवो वाले में या भी कोई भी एप्लीकेशन में बार बार डायरेक्ट ओपन हो रहा है और क्रोम उस पर नहीं जा रहा है कि क्रोम पर, ठीक है, तो आपको करना क्या है, यहाँ पर आना है, ठीक है, यहाँ पर आना है और देखना है ऐप मैनेजमेंट वाला परमिशन कहाँ, ये ऐप वाला दिया हो पूरा सिस्टम, यहाँ पर क्लिक करेंगे, इधर ऐप मैनेजमेंट पर जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि वाला एप्लीकेशन कहाँ है, ये एप्लीकेशन है, ठीक है, इस एप्लीकेशन को हम ओपन करेंगे, ठीक है, और ओपन बाय डिफ़ॉल्ट पे जाएंगे, अलाउ पे क्लिक करेंगे, देखो ये अलाउ भी नहीं हो रहा, ठीक है, क्लियर करते हैं और यहाँ पे आते हैं फोर्स स्टॉप पे क्लिक करते हैं, ये देख लो दिक्कत यहाँ पे आ रही है, ठीक है, यहाँ पे ही दिक्कत आ रही है। अब ये देखो यहाँ से मतलब जो सपोर्टेड लिंक है वो भी काम नहीं कर रहा है, ठीक है, ये देख लो सपोर्टेड लिंक काम नहीं कर रहा है, चलो कोई बात नहीं, हम यहाँ से करते हैं अलग तरीके से काम करेंगे, ठीक है, यहाँ पर हम आते क्लिक करते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर एप्लीकेशन पे आते हैं, इस पर आते हैं और एक बार और क्लिक करते हैं, ठीक है, यहाँ पर और यहाँ से इस तरीके से देखो इसको ओपन करेंगे। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका जो लिंक आया है ना उसको कॉपी करेंगे, ठीक है, देखिएगा कैसे कॉपी कर रहा हूँ वो देखिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर अलाउ कर दिया, ठीक है,
अब ये जो हमारा ऊपर लिंक आया है इसको हम कॉपी करेंगे, ठीक है, यहाँ से इसको कॉपी करेंगे। देखिए जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करना है, अगर आपके में ये दिक्कत बार बार आ रही है तो आपको कैसे कॉपी करना है ये देखिए, यहाँ से इस तरीके से कॉपी करेंगे और यहाँ पे आएंगे, ठीक है, और क्रोम पर आएंगे, ठीक है। क्रोम पर आने के बाद यहाँ पर हम उस जो भी मैंने कॉपी किया है उसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। देखिए मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। देखिए जैसे ही पेस्ट किया, ठीक है, कुछ इस तरीके का इंटरफेस हमारे सामने आ गया। अब इसमें से चैनल का जीमेल कौन सा, ये वाला है, देखिए चैनल के जीमेल पे हमने क्लिक कर दिया, ठीक है। ये शॉर्टकट तरीका आपको बता रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा आपको ये सारी चीज़ें, ठीक है ना, ये कोई नहीं बताएगा आपको। देखिए जैसे मैंने शॉर्टकट वहाँ पर क्लिक किया ना, वैसे यहाँ पर देखिए हमारा में एडसेंस ओपन हो गया, हो गया, ठीक है, क्योंकि हमारा बार बार उस एप्लीकेशन पे जा रहा था और उस एप्लीकेशन को भी हम हटा नहीं पा रहे थे, ठीक है, हट नहीं रहा था, फोर्स स्टॉप भी कर दिया तब भी नहीं। लेकिन ये शॉर्टकट तरीका है, वहाँ से आप लिंक कॉपी करके क्रोम पे ओपन कर लोगे, डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करना है, हमको कंट्री चूज़ करना है, ठीक है, जो भी हमारी कंट्री है उस कंट्री को चूज़ करेंगे, यहाँ से इस कंट्री पर आ जाएंगे, ठीक है। देख लेते हैं, जैसे हमारी कंट्री है इंडिया, तो हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर इंडिया, ठीक है, ये इंडिया सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करते हैं और यहाँ सेटअप अकाउंट पर क्लिक करते हैं, ठीक है, आधार कार्ड दीजिए। देखिए आधार कार्ड हम क्यों ले रहे, बहुत से लोग बोलते हैं कि आधार कार्ड लगता है, जबकि आधार कार्ड तो बैन है, नहीं लगता वहाँ पर, मतलब कि यूएस कंट्री में आधार हमारा नहीं लेता है, लेकिन जो आधार में एड्रेस होता है ना वो हमारे इंडिया में तो लेता है ना, तो हमको वो एड्रेस डालना है जो हमारा एक आधार कार्ड में एड्रेस दिया हुआ, ठीक है, ऐसे कोई एड्रेस नहीं डालना है जो ऐसे ही मतलब आपने अपने मन से कोई भी एड्रेस डाल दिया। आधार का एड्रेस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आधार में जो एड्रेस होता है वो सही होता है ज़्यादातर, और जो भी डाकिया आपका पिन लेके आएगा ना तो वो यहाँ पर आपका जो आधार मेंशन होगा ना एड्रेस, उसी आधार पे आपका लेके आएगा। और इसमें क्या सुमित कुमार नाम है इनका, ठीक है, इसमें देख लो क्या ले रहा है, सोनी गौतम ले रहा है, ठीक है। चलो हम यहाँ से इसको हटाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं सुमित, गलत ये आ गया, चलो इसको हटाते हैं, सुमित कुमार है, चलो सुमित कुमार, देखिए जो भी नाम है इनका मैंने यहाँ पर डाल दिया, ठीक है, डॉक्यूमेंट में भी सुमित कुमार दिया, यहाँ पे भी दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लाइन वन में एड्रेस डालेंगे, ठीक है, लाइन वन में एड्रेस डालेंगे, वो देख लीजिए कैसे डालते हैं, मवाई मधव, ये क्या गांव का नाम है, मवाई माधव कानपुर, ठीक है, ये हो गया। अब ये डालना है हमको देखिए, जब मैं जैसे ही डाल रहा हूँ, ठीक है, वैसे ही आपको भी डालना है, ठीक है, जैसे जैसे हमने डाला है। अब ये लिखने के बाद में यहाँ पर डालना है हमको, उत्तर प्रदेश, ठीक है। अब सिटी, सिटी का नाम कानपुर आएगा आपका, कि यहाँ से हो ना आप, कानपुर नगर, ठीक है, चलो ये हो गया। पोस्टल कोड देख लेते हैं, ये पोस्टल कोड है भाई का, ठीक है, तो हमने यहाँ पर पोस्टल कोड भी डाल दिया, ठीक है। मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें सिक्योरिटी रीजन की वजह से हाइड कर रहा हूँ, ठीक है, तो आपको जैसे इसी बता रहा हूँ इसीलिए हर चीज़ आपको बताता जा रहा हूँ कैसे कैसे करना है। यहाँ मोबाइल नंबर डालिए, ठीक है, सही ना, ऊपर एड्रेस नंबर नहीं डालेंगे क्या सर, डालेंगे, अभी पूरा प्रॉपर तरीके से नहीं डाला है ना, ठीक है, देख सकते हो ये मैंने यहाँ पर पूरा इस तरीके से पूरा यहाँ पर एंटर कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, उत्तर प्रदेश हमने लिखा था उसको हटा देंगे, ठीक है, उत्तर प्रदेश को हम यहाँ से हटा देंगे, यहाँ पे उत्तर प्रदेश नहीं लिखेंगे, ठीक है, कानपुर नगर लिख दिया, बाकी उत्तर प्रदेश हमने नीचे लिख दिया। अब यहाँ पर लिखेंगे मोबाइल नंबर, ठीक है, मोबाइल नंबर अभी हमने नहीं डाला था लास्ट टाइम, अब इसमें हमने मोबाइल नंबर एंटर कर रहे हैं, ठीक है, अपना मोबाइल नंबर यहाँ एंटर कीजिए, ठीक है। देखिए जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे ही करना है, ठीक है, कोई भी गड़बड़ी करते हो तो फिर भाई दिक्कत आपको ही होगी, फिर बाद में आप कहोगे भैया ऐसा नहीं वैसा हो गया, और ये दिक्कत हमको झेलनी पड़ रही, ठीक है, तो जैसे बताते हैं वैसे ही करते जाइए, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी। देख अब यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर हमने पूरा नाम डाल दिया प्रॉपर तरीके से, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो पूरा एड्रेस डाल दिया है और मोबाइल नंबर डाल दिया है, लाइन टू में भी एड्रेस डाल दिया है, सिटी डाल दिया है, पोस्टल कोड डाल दिया और शहर का जो स्टेट है वो डाल दिया हमने, यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल दिया। इसमें मैंने कुछ चीज़ें हाइड कर दी जो कि हमारी सिक्योरिटी रीजन से रिलेटेड है, ठीक है, इसलिए मैंने हाइड कर दी। अब यहाँ पर सबमिट देख लो, यहाँ पर मैंने सबमिट कर दिया, ठीक है, जैसे ही सबमिट करते हैं यहाँ पर कुछ थोड़ा सा वेट लेगा और यहाँ पर रीडायरेक्ट का एक ऑप्शन आएगा, ठीक है, हम उस पर क्लिक कर देंगे रीडायरेक्ट पर, ठीक है। जैसे ही रीडायरेक्ट पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ देख सकते हो हमारा YT स्टूडियो पर आ गया। अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा वेट करना होगा,
यहाँ पे कोई भी जल्दबाजी मत कीजिएगा, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, जल्दबाजी मत कीजिए। देखिए जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर इन प्रोग्रेस आ चुका है, ये हमारा एडसेंस यहाँ पर लिंक हो चुका है, ठीक है, हमारा एडसेंस हमारे चैनल से लिंक हो चुका है। अब आपको दिखाते हैं आखिर में इन्होंने दिमाग कैसे लगाया जो शॉर्ट वीडियो पे इतना व्यूज़ आ रहा है, ठीक है। देखिए भाई दिमाग तो बहुत अच्छा लगाया, ठीक है, आप भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा आप चेंजमेंट कर सकते हो, ठीक है। इनका चैनल पर जाइएगा, ठीक है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, आप देखिएगा किस तरीके से ये काम कर रहे हैं। लेकिन जो सेकंड लेयर फर्स्ट लेयर है ना, इसमें फर्स्ट लेयर में आपको अपना वीडियो लेना, ओरिजिनल वीडियो, ठीक है। अगर आप वीडियो बनाते हैं इस तरीके का तो आप अपना एक वीडियो बनाइएगा, ठीक है, अपना वीडियो बनाइएगा और फर्स्ट लेयर में अपना वीडियो लीजिएगा, बाकी जितनी भी एडिटिंग है सब इसके ऊपर आप कीजिएगा, ठीक है। जो कि इन्होंने अपना एक फर्स्ट लेयर नहीं लिया, फोटो लगाइए, लेकिन आप लेयर लेंगे ना तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है, लेयर लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, किसी तरीके का रिस्क नहीं होता है, ठीक है। चैनल तो बहुत अच्छा बनाया, 51,000 सब्सक्राइबर भी हो गए, मेहनत आखिर में की इन्होंने अच्छा, ठीक है, तो इनको फल भी मिलेगा, इनका चैनल मोटाइज होगा और ये पैसे भी कमाएंगे। अगर आपकी किसी तरीके की दिक्कत है, परेशानी है, प्रॉब्लम है, तो ये हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है, ये हमारी टीम का इंस्टाग्राम अकाउंट है, यहाँ पर आके आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, बात कर सकते हो, आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड हम आपके लिए को बुलाएंगे, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और जैसे भाई की किए, ठीक है। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, बताइएगा क्या दिक्कत है। आप मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक लीजिए हिंद, वंदे मातरम।